लेट्स सी स्टार्ट द न्यू सेशन. लास्ट क्लास हम लोग स्टॉप किया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सर्टेन एग्जांपल्स में. ठीक है, दो कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन किया था हम लोग. एक क्या होगा, क्वेश्चन में तुम्हारे पास डेट ऑफ ड्राइंग अवेलेबल होगा एंड अमाउंट ऑफ ड्राइंग अवेलेबल होगा. मैंने बोला था ट्रीट ड्राइंग एज ए शॉर्ट टर्म लोन. ड्राइंग्स क्या होता है, प्रोप्राइटर या मालिक बिजनेस से जब पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है उसको ड्राइंग्स बोलता है. ठीक है, एक तरह से मैं ऐसा बोलता हूँ शॉर्ट पीरियड के लिए उसने बिजनेस से लोन लिया है, तो जिस दिन ड्रॉइंग करता है उस दिन से लेके ईयर एंड तक इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे हम लोग. क्लियर है? तो इफ क्वेश्चन गिव्स यू डेट ऑफ ड्रॉइंग, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग, देन इट्स वेरी मच इजी टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. यू कैन यूज द टू मैथड, नंबर वन सिंपल मैथड, नंबर टू प्रोडक्ट मैथड. जब आप प्रोडक्ट मैथड करोगे वट यू हैव टू कीप इन माइंड, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर वन मंथ. सिंपल मेथड में तो क्या हो रहा था, देखो फिर से एक बार एग्जांपल बता दूं. आपने हमने लास्ट क्लास में ये एग्जांपल लिया था कि एक ड्राइंग हो रहा था 1 अप्रैल को और एक ड्राइंग है 1 जुलाई को. इफ बिजनेस से 50,000 रुपए समंथा 1 अप्रैल को लेगी तो उसको पूरे साल भर का इंटरेस्ट देना पड़ेगा 1 अप्रैल से ईयर एंड. ईयर एंड कब होता है, 31 मार्च, कंप्लीट 12 मंथ्स. लेकिन उसने नेक्स्ट ड्राइंग किया 1 जुलाई को तो कब से इंटरेस्ट देगी, फ्रॉम 1 जुलाई. 1 जुलाई से 31 मार्च कितना ड्यूरेशन होता है, 9 मंथ्स. 9 मंथ्स तो हमने वही किया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. ये होता है सिंपल मेथड. बट व्हेन यू डू द प्रोडक्ट मेथड आप क्या करते हो, ड्राइंग अमाउंट इज मल्टीप्लाइड बाय द ड्यूरेशन. प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेते हम लोग, ड्राइंग अमाउंट is multiplied by the duration. Product मिल गया, the total of product पूरे साल भर का total of product पे interest on drawing calculate करेंगे. And now here interest on drawing is calculated for one month. 1/12 होगा, हमेशा ये ध्यान रखना. Why? ये easy है ना, simple method easy है. Product method easy है because simple method में every time for every transaction आपको divide करना पड़ता है. बट वेयर इज प्रोडक्ट मेथड में एक ही बार डिवाइडेशन करना पड़ेगा आपको, दैट इज एट द एंड. क्लियर है? तो एग्जाम में आपको मेथड नहीं दिया हुआ रहेगा, डेट ऑफ ड्रॉइंग रहेगा, अमाउंट रहेगा. इट्स योर विश वेदर यू डू फॉर द सिंपल और गो फॉर द प्रोडक्ट, आपका मर्जी है. तो दिस इज द वन वे ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. सेकेंड, वेन यू डू नॉट हैव डेट ऑफ ड्रॉइंग, यू जस्ट ओनली नो द अमाउंट. जैसे कि ऐसे बोले कि आई एम अ पार्टनर ऑफ अ फर्म, मैंने बिजनेस से ड्रॉ किया 80,000. अब मैं बिजनेस को कितना इंटरेस्ट दू, हाउ विल यू कैलकुलेट? अब डेट तो पता नहीं है. जब डेट पता होता है तो सपोज मैंने 1 अक्टूबर को ड्रॉइंग किया होता तो मैं कितने मंथ्स का इंटरेस्ट देता बिजनेस को, 6 महीना. 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितना होता है, 6 मंथ्स. तो मैं बिजनेस को 6 मंथ्स का इंटरेस्ट दे देता. बट यहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, I have made a drawing of 80,000 during the year. अब तो assumptions है. कोई बोलेगा भैया आपने 1st अप्रैल को किया होगा, कोई बोलेगा 1st जून, कोई बोलेगा 1st जुलाई, कोई बोलेगा 15th अप्रैल. अलग अलग different different dates का assumption हो सकता है. उस condition में we will not take any assumptions. You have to check interest rate is given with the word per annum or not. Interest rate is given with the word per annum or not. If it is given with the word per annum, then interest will be calculated for half duration, 6 months, 6/12 ho jayega. But if no word per annum is given, then interest is calculated for the whole year. Ye tha second concept. Clear hai? Third concept. Example likhta hu main. Theek hai, uske baad ek saath apan utarega interest on drawing ka notes. कौन सा, नहीं ये मेथड ही डिफरेंट है. यहां पे डेट ऑफ ड्राइंग था ही नहीं, यू ओनली न्यू द ड्राइंग अमाउंट. हमें सिर्फ ड्राइंग वैल्यू पता है बट किस डेट में ड्राइंग किया ये तो पता ही नहीं है. जब आपको ड्राइंग का डेट नहीं पता होता देन यू हैव टू चेक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज विद द वर्ड पर एनम और नॉट. ठीक है, तो ये कोई प्रोडक्ट मेथड नहीं है, ये एक डिफरेंट मेथड ही है. और एक एग्जांपल देखते हैं. Sachin made a
ड्रॉइंग ऑफ रुपीज 2000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ. सचिन मेड अ ड्रॉइंग ऑफ रुपीज 2000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ. बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का मतलब फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ. ईयर कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल. तो उसने पहला ड्रॉइंग कब किया होगा? 1 अप्रैल. नेक्स्ट ड्रॉइंग 1 मई. नेक्स्ट ड्रॉइंग 1 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर. एवरी मंथ का 1 तारीख को वो 2000 का ड्रॉइंग कर रहा है. अब कैन यू अप्लाई हियर सिंपल और प्रोडक्ट मेथड? सिंपल या प्रोडक्ट मेथड कब लगता है? जब इंटरेस्ट रेट तो डाल देता है. कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 10% पर एनम. ठीक है, डाल दिया. कैन वी कैलकुलेट आईओटी बाय सिंपल और प्रोडक्ट मेथड? कर सकता है. सिंपल और प्रोडक्ट मेथड कब लगता है? व्हेन ड्यूरे डेट ऑफ ड्रॉइंग पता है एंड अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग पता है. क्या इस केस में आपको डेट ऑफ ड्रॉइंग्स पता है? क्या पता है? एंड अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग भी पता है. बट इफ यू विल गो विद सिंपल और प्रोडक्ट मेथड, बहुत लंबा जाएगा, बहुत लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा. तो यहां पे अब एक नया कंसेप्ट आता है, एवरेज पीरियड मेथड. व्हेन योर अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग एंड गैप बिटवीन द ड्रॉइंग्स डेट आर इवन. क्या बोला मैंने? When amount of drawing and gap between the dates are even. देखो even कैसे? 2000 का drawing वो every month में कर रहा है, यानी equal है, हर महीना 2000 का है. And every drawings में gap कितना है? एक महीने का exact one month है ना? तो then only you can apply average period method. If any single date आपका ये gap टूट गया, suppose उसने क्या किया? January तक तो 2000 per month है. बट इन द मंथ ऑफ फेब उसने 3000 का ड्रॉइंग किया एंड देन अगेन मार्च में उसने 2000 किया. नाउ यू कैन नॉट अप्लाई एवरेज पीरियड. कंप्लीट पूरे साल भर एक ही अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग होना पड़ेगा एंड गैप बिटवीन द ड्रॉइंग सेम होना पड़ेगा. देन ओनली वी कैन अप्लाई एवरेज पीरियड मेथड. हाँ नहीं, वो नहीं है, वो कैलकुलेशन नहीं है. 3130 का कोई वो कैलकुलेशन नहीं है. बिकॉज अकाउंट्स में नॉर्मली जैसे जैसे आप हायर लेवल में जाओगे ना, मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चन में अजम्पशन रहता है ईयर इज ऑफ 360 डेज. तो लोग इसको सर्कुलेट कर देता है, उसका प्रॉब्लम नहीं रहेगा 3031. ठीक है, तो ध्यान रखना कब होगा एवरेज पीरियड मेथड. अमाउंट सेम रहेगा, ड्रॉइंग्स में गैप सेम रहेगा. क्लियर है? उस कंडीशन में मेरा एवरेज पीरियड मेथड लगेगा. मैं एडिंग दे रहा हूं एवरेज पीरियड मेथड. तो इस मेथड में आप कैलकुलेशन कैसे करोगे? राइट, सबसे पहले जस्ट लिख रहा हूं कि आईओडी, हाउ वी विल कैलकुलेट आईओडी पे निकालना सीखेंगे. अंडर दिस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी कैलकुलेटेड टोटल ड्रॉइंग अमाउंट इंटू रेट बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाई 12. टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय टोटल ड्रॉइंग अमाउंट. पूरा साल भर में जितना ड्रॉइंग किया, अपने केस में टोटल ड्रॉइंग कितना है? 24,000. कितना है? 2000 पर मंथ. एक साल में कितना महीना होता है? 12. तो 12 इंटू 2, 24,000. तो टोटल ड्रॉइंग अपने केस में आईओडी निकालना होगा, तो टोटल ड्रॉइंग इज 24,000. रेट इज, यहां तक तो समझ में आता है. बट द प्रॉब्लम इज एवरेज पीरियड. नो, ये सीखना पड़ेगा. पीरियड का मतलब ड्यूरेशन. आई कैन से एवरेज पीरियड और आई कैन से एवरेज ड्यूरेशन.
आप कोई भी चीज का एवरेज कैसे निकालते हैं? जैसे आई कैन से एक फिगर है 10, एक फिगर है 30, टेल मी द एवरेज ऑफ दिस। 10 + 30 डिवाइडेड बाई 2 मतलब एवरेज 20। यानी एवरेज निकालने के लिए यू नीड टू नंबर्स एंड डिवाइडेड बाई 2, यही चाहिए ना। तो यहाँ ड्यूरेशन तो बहुत सारा है, तो किसका एवरेज ले? यस, स्कूल में पढ़ के आई हो क्या? घर से पढ़ के आई हो? गुड, आई लाइक इट। अब देखो एवरेज पीरियड कैसे निकलता है। एवरेज पीरियड इज इक्वल्स टू कितना है? एवरेज पीरियड इज इक्वल्स टू ड्यूरेशन फ्रॉम फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस ड्यूरेशन फ्रॉम लास्ट ड्रॉइंग डिवाइडेड बाय 2। ड्यूरेशन फ्रॉम फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस ड्यूरेशन फ्रॉम लास्ट ड्रॉइंग डिवाइडेड बाय 2। सिंपल मेथड में तुम लोगों ने ड्यूरेशन निकालना सीखा। जिस दिन ड्रॉइंग किया उस दिन से लेके ईयर एंड तक, दिस इज द ड्यूरेशन। हमारे एग्जांपल में ड्रॉइंग इज मेड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो फर्स्ट ड्रॉइंग कब होगा? कब होगा? फर्स्ट ड्रॉइंग होगा 1 अप्रैल, राइट? तो 1 अप्रैल से ईयर एंड, इसी को तो ड्यूरेशन बोलते हैं। कितना ड्यूरेशन होगा? 12 months। लास्ट ड्रॉइंग कब होगा? 1st of March। एकदम लास्ट ड्रॉइंग तो मार्च मंथ में ही करेगा वो। कब करेगा? 1st March। ड्यूरेशन कितना होगा? एवरेज कितना? 12 + 1 लिखना था उधर, 6.5, दैट्स माय एवरेज पीरियड। तो इधर क्या लिख देगा? 6.5। इन दिस वे यू कैलकुलेट द एवरेज पीरियड। अब ये मेथड कब लगेगा? व्हेन दिस मेथड विल बी एप्लीकेबल, फिर से बताना। गैप बिटवीन द ड्रॉइंग डेट्स आर इवन, सेम, ठीक है। कब लगेगा ये? एक का थोड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी था बोलने का। कब लगेगा ये मेथड? एक चीज ध्यान रखना, कोई दूसरा बोल रहा है इसका मतलब ये नहीं तो तुम्हारे दिमाग में सेट हो रहा है वो। जब तक तुम नहीं बोलेगा तुम्हारा वॉइस खुद के ईयर तक नहीं जाएगा, समझ लेना वो सेट हुआ ही नहीं है दिमाग में, भूल जाएगा, घर जाएगा, सारा स्टोरी सारा कहानी भूल जाएगा। तो बोलते रहने का, और बोलने का नहीं, अनसर्ट कुछ भी बोलेगा वही बोलना जितना हम पूछे, ठीक है। तो एवरेज पीरियड मेथड कब लगेगा? कोशिश करो, आएगा। देखा बोल नहीं पा रहे हैं ना, लास्ट वाला समझा नहीं, वो सोच रहा था लास्ट ड्राइंग में आप वापस से बोलो तो क्या। लास्ट ड्राइंग का मतलब हो गया कि तुम साल में लास्ट ड्राइंग कब करेगा। यदि पार्टनर हर महीने का 1 तारीख को ड्राइंग कर रहा है तो लास्ट ड्राइंग तो वो 1 मार्च को करेगा ना। तो 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक कितना ड्यूरेशन होगा? बिकॉज ईयर एंड तो हमेशा 31 मार्च को होगा, तो हम लोग को बस वही ड्यूरेशन निकालना है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया? तो बताओ मेरे को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ रहा है? 1300। टोटल ड्राइंग 2000 पर मंथ है, तो इनटू 12 करेगा तो 24,000 होगा ना। बाकी नया लोग को बेसिक रूल पता है ना कि सेल फोन यहां रहता है अपना, रख दिया था ना, तुमने ही रखा था क्या? भूल गया तुम ऐसे ईमानदारी है ना, दाम रख देते।
डिस्ट्रेक्शन है, एटलीस्ट 1 घंटा 15 मिनट तो हमसे पूरा मन से बात करो, बाकी टाइम तो तुम लोग स्नैपचैट करता ही रहता है। 1 घंटा 15 मिनट तो हमको दो, समझ में आया? अब तुम लोग मेरे को सेल्फ एवरेज पीरियड निकाल के बताएगा, आई विल गिव यू द सिनेरियो, ठीक है? इफ ड्रॉइंग इज मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, अब आप लोग निकालोगे सिर्फ एवरेज पीरियड, कैलकुलेट एवरेज पीरियड। नंबर वन, इफ ड्रॉइंग इज मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हम जिससे पूछेगा वही बताएगा। यस, केतन क्या होगा आंसर? लेकिन लास्ट वाला तो 31 ही रहेगा ना। हाँ तो रहेगा तो जीरो, क्या जीरो कोई नंबर नहीं है क्या? तो 6 हो जाएगा। पहला ड्राइंग कब करेगा तू? 31 अप्रैल। अप्रैल में 31 नहीं होता, 30th अप्रैल। हाँ 30th अप्रैल को करेगा, वहां से कितना महीना होता है 31st मार्च तक? 12 महीना। अच्छा 30 अप्रैल से 11 महीना। हाँ तब फिर कितना आएगा एवरेज पीरियड? 5.5। सबका 5.5 आया ना? ए नहीं आया त्रिशा, 5.5 आया ना सबका? अरे सबको समझ में आना होगा, किसी एक का भी आंसर नहीं आया तो अपन रुकेगा, कोई हड़बड़ी नहीं है, राजधानी में नहीं चलेगा, मालगाड़ी। फिर से एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। फर्स्ट ड्रॉइंग कब करेगा तुम? 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल से 31st मार्च कितना ड्यूरेशन होता है? 11 मंथ। लास्ट ड्रॉइंग कब करेगा तुम? 31st मार्च। 31st मार्च से 31st मार्च कितना ड्यूरेशन? जीरो। तो 11 + 0 / 2 और वो मार्क्स देगा तुमको एवरेज पीरियड फॉलो करने पे। यदि आप इस टाइप के क्वेश्चंस जहां पे डेट ऑफ ड्रॉइंग इज इवन एंड अमाउंट इज सेम, इफ यू फॉलो सिंपल और प्रोडक्ट मेथड, आप सॉल्व करके आते हो दो, योर आंसर इज करेक्ट, बट आपको कुछ नहीं मिलेगा। उनको लेबर थोड़ी बनाना है, ऑलरेडी बना रखा है, तुम लोगों को कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, और थोड़ी बनाएगा, है ना? क्लियर? तो क्या होगा 5 पॉइंट। नेक्स्ट एग्जांपल, इफ ड्रॉइंग इज मेड एट द मिड ऑफ एवरी मंथ, नहीं वो सब कुछ कंसिडर है, मिड मतलब मिड, देखता है 6 आता है या नहीं आता है। नहीं समझ में आया, कोई टेंशन नहीं है पूछने का मेरे को, जिससे निकल गया निकल गया। ये 6.5 जो निकाला था ऊपर, वो एवरेज पीरियड था। हम लोग का फॉर्मूला क्या था? टोटल ड्रॉइंग इनटू रेट बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड बाय 12 होता है ना, तो यहाँ एवरेज पीरियड ही तो निकाल रहे हम लोग, निकला सबका वही आंसर। केतन, अरे बाबा कैलेंडर पता है ना, अप्रैल से लेके मार्च होता है, हर महीने का मिड कौन सा डेट होता है? 15th। अब तुम 31st 30 के जाल में मत फंसना, 15th। फर्स्ट ड्रॉइंग कब करेगा? 15th ऑफ अप्रैल। 15th ऑफ अप्रैल से
31st ऑफ मार्च कितना ड्यूरेशन होता है? 10.5 मंथ्स होता है क्या? 11.5 कोई तो जगा हुआ है। 11.5 मंथ्स लास्ट ड्रॉइंग कब करेगा तुम? अरे आधा महीना तो अप्रैल का चला गया ना, तो आधा महीना अप्रैल, हाँ बस 15th मार्च से 31st मार्च 0.5 मंथ्स, तो एवरेज कितना हो गया? 11.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 2। आया समझ में? क्लियर है सबको? निकालना। इफ ड्रॉइंग इज मेड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, यश वो वाला यश, एक साल में कितना क्वार्टर होता है? एक खंबे में कितना क्वार्टर होता है? कैसा दिमाग पाया है तुम लोग, 12th में आ गया और अभी तो एक साल में कितना क्वार्टर होता है उसमें कंफ्यूज्ड है। अरे भाई 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। अरे तुम लोग का स्कूल फीस क्वार्टरली जाता है, हाफ ईयरली कैसे जाता है? क्वार्टरली जाता है ना, यानी एवरी 3 मंथ में फीस देना होता है, तो पूरा साल भर में 12 महीना, तो एक क्वार्टर में 3 महीना है, तो पूरा साल में कितना क्वार्टर हुआ? 4। क्लियर है? अब निकालो तुम लोग। इफ ड्रॉइंग इज मेड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, एवरेज पीरियड निकालो। अरे इतना स्लो है, कोई तो कंपटीशन दो उसको। देखते हैं बाकी लोग, तुक्का मत मारना, ये ध्यान रखना। यदि नहीं सक रहे हो फॉलो द प्रोसेस, पहला ड्राइंग कब करोगे वहां से लेके ईयर एंड, लास्ट ड्राइंग कब करोगे वहां से लेके ईयर एंड, लिखो अभी इनिशियली कोई फर्क नहीं, एक बात पॉइंट के बाद आपको दिमाग में सेट हो जाएगा। नमन पाटनी, पहला ड्रॉइंग अपन कब करेगा? एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। ईयर में 4 क्वार्टर होता है, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जैन फेब मार्च, ये 4 क्वार्टर होता है। तो पहला ड्रॉइंग पहला क्वार्टर का स्टार्टिंग में करेगा तुम लोग, दैट इज 1st of April को। वहां से ईयर एंड तक कितना ड्यूरेशन होगा? लास्ट ड्रॉइंग कब करेगा? लास्ट क्वार्टर का बिगिनिंग में, 1st January। लास्ट क्वार्टर कब स्टार्ट होता है? जनवरी में, जैन फेब मार्च का एक क्वार्टर होता है, तो लास्ट क्वार्टर का बिगिनिंग में ड्रॉइंग करेगा, दैट इज 1st of Jan। कितना मंथ हुआ, तो एवरेज कितना? समझ में आया नहीं आया? देखो क्वार्टर होता है अप्रैल से जून पहला क्वार्टर, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च, ये 4 क्वार्टर होता है। क्वेश्चन बोल रहा है ड्रॉइंग इज मेड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, यानी इस क्वार्टर का ड्रॉइंग डेट क्या होगा? बिगिनिंग मतलब 1st अप्रैल। इस क्वार्टर का ड्रॉइंग डेट क्या होगा? इस क्वार्टर का और इस क्वार्टर का। तो एक बात बताओ, पहला ड्रॉइंग तुम कब कर रहे हो? वहां से लेके ईयर एंड तक कितना मंथ्स होगा? 12 महीना। लास्ट ड्रॉइंग कब कर रहे हो तुम? तो जनवरी से ईयर एंड तक, तो 12 + 3 / 2। क्वार्टरली देखना है ना अभी आपको। क्लियर है? निकला।
तो 110 होगा क्या चीज अक्टूबर अच्छा ओ लिखने में ठीक है कितना निकाला तुम लोग 7.5 मंथ्स नेक्स्ट एग्जांपल इफ ड्राइंग इज मेड एट द मिड ऑफ एवरी क्वार्टर एट द मिड ऑफ एवरी क्वार्टर इफ ड्राइंग इज मेड अरे बहुत काम आएगा ये आपको एक बार एवरेज पीरियड निकालना सीख गया इफ ड्रॉइंग इज मेड एट द मिड ऑफ एवरी मंथ सॉरी मिड ऑफ एवरी क्वार्टर मंथ वाला तो हो ही गया एवरी क्वार्टर चार्ट रट के आएगा हाय बेसिक कैलेंडर यस सिक्स किसका किसका नहीं आया समझ नहीं आया सिक्स नहीं आया नित्या आया आया नहीं आया ए भाई अभी तुम लोग को क्वार्टर समझाया ये क्वार्टर्स होते हैं तो एक बात बताओ अभी ये सब तो नहीं चाहिए इफ तुम्हारा मिड ऑफ द क्वार्टर होगा अप्रैल मई जून एक क्वार्टर है उसका मिड क्या होगा 15th में पहला क्वार्टर का फर्स्ट ड्राइंग कब हो गया 15th में 15th में से ईयर एंड तक कितना ड्यूरेशन होगा डेढ़ महीना चला गया अप्रैल गया पूरा हाफ ऑफ मई चला गया यानी पूरा 12 में से 1.5 माइनस कर दो 10.5 मंथ्स तो मई 15th में तो लेगा मई पूरा मिड हो जाएगा क्या डेज ऐसे कैसे होगा कैलेंडर में क्या चीज फर्स्ट मई पकड़ा गलत है इट विल बी 15th ऑफ मई ठीक है एंड देन लास्ट क्वार्टर का मिड क्या होगा 15th फेब हाँ तो मिड तो 15 ही होगा देखो एक अप्रैल से लेके 30 अप्रैल 30th अप्रैल से लेके 31st मई 30th जून एक बात बताओ इसका मिड क्या होगा ये गया यही तो मिड होगा मिड तो यही होगा 15th ऑफ मई क्लियर सिक्स अभी भी किसका नहीं आया और देखो 15th ऑफ फेब से 31st ऑफ मार्च कितना ड्यूरेशन होता है 1.5 मंथ्स तो 10.5 प्लस 1.5 12 डिवाइडेड बाय 2 6 अभी भी नहीं हुआ क्या हो गया थोड़ा और स्पीड बढ़ाओ इफ ड्राइंग इज मेड एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर If the drawing is made at the end of every quarter,
एक 5.5, एक 4.5। तुम करेक्ट, जिसका भी 4.5 आ रहा है करेक्ट, तो जिसका नहीं आ रहा वो निकालते रहो जब तक नहीं निकले। जब खुद से हार मान जाओ तो मुझे बताना। आया जिसका 4.5 नहीं आया बताना। यस यस, 30th जून से 31st ऑफ मार्च। एंड लास्ट ड्रॉइंग कब होगा? 31st मार्च। 31st ऑफ मार्च से 31st ऑफ मार्च जीरो, तो 9 + 0 डिवाइडेड बाय 2, 4.5 आया क्या? ऐसे हलवा का तरह चेहरा करते बोले कौन सा दुनिया में आ गया है। नित्य आया तुम्हारा एक्टिव रहने का, ठीक है। इफ ड्रॉइंग इज मेड एट द बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयर, अरे ऐसा नहीं है कि हमको बड़ा मजा आ रहा है, तुम लोग कोई काम आएगा केसेस बना के, एट द बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयर। साल में कितना हाफ ईयर होता है? दो। 1st अप्रैल से लेके 30th ऑफ सेप्टेम्बर, 1st अक्टूबर से लेके 31st ऑफ मार्च, 6 महीना, इसी को तो हाफ बोलते हैं। अब निकालो। हाँ, इफ ड्रॉइंग इज मेड एट द हाफ ईयर, थ्री सोचो फिर से तुम कैसे निकाला है। पहला ड्रॉइंग कब होगा? हाँ ना, बोलो बोलो, बाकी घबरा कह रहे हो, आंसर दो। इफ ड्रॉइंग इज मेड एट द बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयर, अरे पूरे साल को दो हाफ में बांट दूं मैं, ये है मेरा हाफ ईयर, 1st अप्रैल से लेके 30th ऑफ सेप्टेम्बर, देन 1st अक्टूबर से लेके 31st ऑफ मार्च, 9 9। कैसे 4.5 आ रहा है तुम्हारा? फिर से डिवाइडेड बाय 2, एक बार कर चुका और डिवाइडेड बाय 2। पहला ड्रॉइंग करेगा तुम लोग 1st अप्रैल, ठीक है, 1st अप्रैल से लेके ईयर एंड 12 मंथ्स। नेक्स्ट ड्रॉइंग कब करेगा? 1st अक्टूबर, 1st अक्टूबर से लेके ईयर एंड तक कितना ड्यूरेशन? 6 मंथ्स। यस, देखो हाफ ईयरली का मतलब होता है वी आर डिवाइडिंग ईयर इनटू टू पार्ट्स। एक हो गया तुम्हारा 1st अप्रैल से लेके 30th सेप्टेम्बर, एंड देन नेक्स्ट हाफ ईयर इज 1st अक्टूबर से 31st मार्च। व्हेन क्वेश्चन टॉक अबाउट हाफ ईयर, मतलब दो ही पार्ट होगा। अब एट द बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयर बोल रहा है, मतलब बिगिनिंग का मतलब पहला ड्रॉइंग हम यहां करेगा 1st ड्रॉइंग, और लास्ट ड्रॉइंग कब करेगा? 1st अक्टूबर को। बिगिनिंग ऑफ द हाफ ईयर बोल रहा है ना, तो हाफ ईयर का बिगिनिंग तो यही है, राइट? तो 1st अप्रैल से 31st ऑफ मार्च कितना ड्यूरेशन होगा? 12 मंथ्स। एंड देन 1st अक्टूबर से 31st ऑफ मार्च कितना ड्यूरेशन होगा? 6 मंथ्स। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च डिवाइडेड बाय 2, 9 मंथ्स। आया अभी? हाँ आया, तो तुम्हें निकाल के बताएगा इफ ड्रॉइंग इज मेड एट द एंड ऑफ हाफ ईयर। If drawing is made at the end of half year, तुम्हारा तो आएगा।
बाकी लोग ऐसा तो रॉकेट साइंस मैथ्स भी नहीं, एकदम बेसिक है ये तो। ऋषि सुनक यूके का पीएम है वो। आया 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 आया, इसका तो आया, उधर आया क्या पड़ोसी का? ऋषा पड़ोसी का आया क्या? आया नहीं आया? ये सब ऐसे थोड़ी इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, जब तक आपको एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना नहीं आएगा आप आईओडी कभी करेक्ट कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे। समझ में आई? ए नहीं आया अभी तक ना? आया उसका? आया नहीं आया नहीं आया? पहला ड्राइंग कब करेगा तुम? एट द एंड ऑफ हाफ ईयर बोला, तो पहला हाफ ईयर कब खत्म होता है? 30 सितंबर को। तो एंड क्या हो गया? इस दिन ड्राइंग करेगा तुम? एट द एंड ऑफ हाफ ईयर, एंड का मतलब जब हाफ ईयर खत्म हो रहा है उसका लास्ट डेट को। तो मेरा हाफ ईयर 30 सितंबर को खत्म होता है, हम इस दिन ड्राइंग करेगा। 30 सितंबर से 31 मार्च कितना ड्यूरेशन होता है? 6 महीना। लास्ट ड्राइंग कब करेगा? सेकेंड हाफ ईयर का एंड में। सेकेंड हाफ ईयर बोले तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च, इसका एकदम लास्ट में, दैट इज 31 मार्च को करेगा। 31 मार्च से 31 मार्च 0, तो 6 + 0 / 2 = 3। क्लियर है? कितना आया तुम्हारा? एक क्वेश्चन लिखना, देखता है कितना लोग करेक्ट करता है। निकाल के रखना, मेरे को आंसर नहीं बोलेगा, बोलेगा तो 5 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा करने देगा, जिससे पूछेगा वही जवाब देगा। किसका नाम यूज करें? चलो तुम बोला। त्रिशा मेड, या फिर ऐसा लिखो, त्रिशा विड्रू रुपीज 12,000 पर मंथ ऑन रेगुलर बेसिस फॉर दी फर्स्ट 6 months ऑफ दी फाइनेंशियल ईयर। Drawing was made in the mid of every month. Calculate interest on drawing for Trisha एट द रेट 5% पर एनम। कैलकुलेट ईयर एंड तो मार्च में ही होता है।
फिर क्या, फिर क्या, फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग देखो। उससे कोई लेना देना नहीं है। पहला ड्राइंग कब करेगा तुम? ये 6 महीने वाला तक ही ड्राइंग कर रहा है। हम लोग का एवरेज पीरियड मेथड कब लगता है? When drawing amount is constant and gap between the drawings is equal. उससे कोई जरूरी थोड़ी है पूरे साल भर ही ड्रॉइंग करे। आपने बोला था कि मतलब एक महीने में 30,000 हो जाएगा फिर। हाँ, तो ऐसा तो हुआ ही नहीं है ना। एवरी मंथ उसका 12,000 ही चल रहा है और हर महीने का मिड में ही वो ड्रॉइंग कर रहा है, तो गैप बिटवीन द ड्रॉइंग भी तो सेम ही है एंड अमाउंट भी सेम है। सो कोई दूसरा मैथड लग ही नहीं सकता एक्सेप्ट एवरेज पीरियड मैथड। तो लगाओ, कैलकुलेट करो। वो मतलब 6 महीना पे हम लोग एवरेज निकालते हैं, पूरा का निकालते। तुमको हम एवरेज निकालना कैसे बता रहे हैं? तुम बताओ। काटीना, तेरे को शेर को सवा शेर मिला, अच्छा लगता है जब दो बोस्कोनियन फाइट करते। तुम लोग कब इसमें घुसेगा? अरे कितना है ये तो आया, मेरे को आंसर चाहिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चाहिए। हाँ निकालो। अरे हम क्या बोल रहे हैं, तुमको क्या देखना होता है? फर्स्ट ड्राइंग एंड लास्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग से ईयर एंड, लास्ट ड्राइंग से ईयर एंड। तो फर्स्ट ड्राइंग के फर्स्ट स्टेप ये एंड रेपो क्या क्वेश्चन पढ़ो फिर से, क्या चीज है? उससे ईयर एंड 15.4 to 31st March, 11.5 months. लास्ट ड्राइंग कब करेगा? वो तो सिर्फ पहला 6 महीना तक ही ड्राइंग कर। अरे वो 6 महीना तक ही ड्राइंग कर रहा है। नहीं, नो, अभी तक करेक्ट नहीं, करेक्ट आया है पलक, यश एंड वो एवरेज पीरियड ठीक बोला। अब हम उसका वेट कर रहे हैं आईओडी का। हाँ क्या हुआ? बाकी लोग दिमाग की सुई घुमाओ, क्या सिखाया एवरेज पीरियड के लिए? फर्स्ट ड्राइंग से लेके ईयर एंड, तुम्हारा फर्स्ट ड्राइंग कब हो रहा है? उससे ईयर एंड कितना ड्यूरेशन होगा? 11.5 months. लास्ट ड्रॉइंग कब करोगे? आप फर्स्ट 6 months की तो कर रहे हो, यानी यू आर मेकिंग ड्रॉइंग अप टू सेप्टेम्बर, तो योर लास्ट ड्रॉइंग विल बी इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर का मिड में होगा, दैट इज 15th ऑफ कितना ड्यूरेशन होगा? 6.5, ठीक है। एवरेज क्या होगा? नाइन मंथ्स। समझ में आया सबको? नित्या क्लियर है? पहले बार में क्यों नहीं? ऋषि यहां तक तो हो गया मेरा। आगे बढ़ रहे हैं। आ गया 2700, आ गया तुम्हारा भी, आ गया 2700। बाबू का क्या हाल? क्या होता था एवरेज पीरियड में? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे निकालना है? टोटल ड्रॉइंग अमाउंट, टोटल। हाँ, इफ एवरी मंथ, क्यों, वाई? ईयर एंड तो 31st March को होता है ना, 6 महीना ही किया तो क्या हुआ?
अरे जो पहला ड्रॉइंग किया उसमें तो 12 मंथ्स का ही तो फॉर्म इंटरेस्ट लेगा ना। इट डज नॉट मैटर कि पार्टनर कितना मंथ्स तक ड्रॉइंग कर रहा है, फॉर्म तो ईयर की पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेशन करेगा। तो तुम्हारा टोटल ड्रॉइंग कितना होगा एवरी मंथ 12,000, यू आर मेकिंग ड्रॉइंग फॉर 6 मंथ्स 72,000 इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड। ऋषि समझ में आया? निकला क्यों नहीं? निकला ना? केतन अभी आया? अरे तुम्हारा नाम क्या था? नाम भूल गया, उसका नाम क्या था? निकुंज। राजा आया ना समझ में सबको? दिस वे वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है? हाँ, और एक क्वेश्चन दे ऐसा लिखो लिखो हाँ 2700 था लास्ट। हाँ करेक्ट, जंग जीत लिया हमने, ये तो बस शुरुआत है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। ऐसे तुम साथ रहेगा ना सबको फाड़ देगा, फिर तो पावर प्ले हो चाहे कोई हो, सब में छक्के ही लगेंगे अपने। आओ, नमन यश एंड ऋषि आर थ्री पार्टनर्स। एक बार छोड़ दिया, बाद में एडमिशन के टाइम केतन को लिया आएगा, वो बड़ा इन्वेस्टर है ना, इन लोग को बाद में जरूरत पड़ेगा इसका। तो नमन यश एंड ऋषि आर थ्री पार्टनर्स देयर drawings during the year is as under। Naman made a drawing of rupees 5,000 per month at the beginning of every month for the first 6 months। Yash made a drawing of rupees 10,000 per month at the mid of every month for the first 9 months। Rishi made a drawing of rupees 10,000 per quarter at the end of every quarter। Calculate interest on drawing at the rate 10% per annum for the year
एंडेड 31 मार्च 2024। निकालो, निकाल के रुक जाना, ठीक है, फटाफट बोलने मत लग जाना। मैं देता है ना नया पेन, लेगा? हाँ, तीनों पार्टनर है, तीनों का अलग ही निकलेगा। निकालो, या कोई बैग में फोन रख के रहे, बैग में नहीं, इधर ही है। ठीक है, तो मैं आता 10 मिनट में बाहर से, सब उठा के बाहर में बाजार लगा के। कोई नहीं, मैं भी पलक का लीग में आएगा थोड़ा दिन बाद। चलो चलो चलो, फटाफट निकालने का। स्पेशल है, स्पेशल है, थोड़ा ट्रीटमेंट बनता है। बेचारा फोकस करना चाह रहा है, तुम लोग है कि पढ़ो श्रेया। शाबाश शाबाश शाबाश, लगे रहो। बोलो। डाउट नहीं, मेरे को आंसर चाहिए, जो समझ में आता जैसे समझ में आता वैसे निकालो, गलत होगा उससे फर्क नहीं पड़ता है, गलती होने दो। आज मिस्टेक होगा तो कल करेक्ट होगा, जैसा माइंड में इंस्टिंक्ट आ रहा है, जो आपको लगता है। आप लोग रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, पीछे जाओ, देखो कि कैसे कैलकुलेट करते थे, उसका हेल्प लो एंड देन निकालो, बट ट्राई टू फाइंड आउट आंसर बाय योरसेल्फ।
6 to 5. देखो फर्स्ट वाले का होगा 2375. फर्स्ट का सॉल्यूशन होगा 2375. देखो नमन का आईओडी आप कैसे निकालोगे, उसने 5000 पर मंथ किया है फॉर 6 months, यानी उसका ड्राइंग विल बी 30,000 फॉर द 6 months. टोटल ड्राइंग 30,000, रेट ऑफ ड्राइंग 10%. अब मैंने एवरेज पीरियड, वो ड्राइंग करता है द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो फर्स्ट ड्राइंग विल बी ऑन 1st अप्रैल. 1st अप्रैल से 31st of March इट विल बी 12 months. लास्ट ड्राइंग ऑफ नमन विल बी ऑन 1st of September, तो 1st of September से 31st of March 7 months. तो 12 + 7 = 19 divided by 2, 9.5. 2375 आएगा. Then comes Yash. Yash ने 10,000 per month का drawing किया for 9 months. तो total drawing during the year कितना होगा? 90,000. Rate of drawing 10% at the mid of every month. यानी first drawing of Naman Yash will be on 15th of April. 15th of April से 31st of March duration कितना? 11.5. Last drawing कब होगा? 15th of December. December. तो 3.5 months. 11.5 plus 3.5 कितना हो गया? 15 divided by 2 कितना? 7.5 divided by 12 तो आएगा तुम्हारा 5625. क्लियर है? देन कम्स ऋषि. यहाँ पे भी लोग सिली मिस्टेक करता है. क्वार्टरली 10,000 ड्रॉइंग है, तो 10,000 इंटू 12 मत कर देना. एक साल में 4 quarters होता है, तो 10,000 इंटू 40,000. रेट ऑफ ड्रॉइंग 10% एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर. दैट मीन्स फर्स्ट ड्रॉइंग विल बी मेड ऑन 30th of June. 30th of June से 31st of March कितना ड्यूरेशन? 9 months. Last drawing will be on 31st of March. तो 31st of March से 31st of March 0. तो 9 plus 0 divided by 2. 4.5 divided by 12. 1500. That was the concept for average period method. अभी भी किसी को doubt है तो पूछ सकता है. Clear है? अच्छे से घर पे जाना, रिवाइज करना टॉपिक को प्रॉपरली, सो दैट इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी राइटिंग द नोट्स ऑन दिस. जो प्रॉपरली कॉपी में नोट्स चाहिए जब तुम रिवाइज करोगे वो चाहिएगा अपने को. एंड सेकेंडली कुछ और क्वेश्चंस करेगा इससे रिलेटेड, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड धीरे धीरे करके. क्लास स्मूथली चलेगा, कोई हड़बड़ी नहीं है, पूरा साल है. लेकिन जब तक किसी एक पर्सन का भी कंसेप्ट में प्रॉब्लम होगा हम लोग रुकेगा उसके लिए. एंड इफ आपका आस पड़ोस वाले से नहीं हो रहा है, आपसे हो रहा है, ट्राई टू मेक हिम टीच और मेक हर टीच. जब आप किसी को पढ़ाओगे ना ऑटोमेटिकली आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. ठीक है? दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.